हेलो दोस्तों, डायमंड ज्वेलरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ये बाली बनाने जा रहे हैं, तो मैं इसको 15 mm साइज ले रहा हूँ। तो 15 mm के हिसाब से इमेज को मैं स्केल कर लेता हूँ। ठीक है, अभी इसका आपका साइड व्यू भी दिया हुआ है, तो ये 15 mm स्केल हो गया। तो अभी क्या करना है, मैं इमेज को काट लेता हूँ, साइड व्यू को अलग ले लेता हूँ, तो एक लाइन से स्प्लिट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी क्या करना है, साइड व्यू वाला जो इमेज है उसको मैं टॉप व्यू से 90 डिग्री रोटेट करता हूँ। तो टॉप व्यू से 90 रोटेट किया मतलब मेरा ये आपका आ गया, मेरा राइट व्यू में आ गया इमेज। ठीक है, अभी इसका हमें 2D ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूँगा, 90 डिग्री रोटेट कर लेता हूँ, ताकि 2D ड्रॉ करने में ईजी रहे। ठीक है, जैसे ही 2D हो जाएगा फिर मैं रोटेट कर लूँगा। तो इसका आउटर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इसका देखो ना, थिकनेस ऊपर पतला है, फिर जहाँ पे आपका लिंकिंग है, हिंज वाला पार्ट है, वहाँ पे मोटा है, फिर नीचे के साइड में टेल वाला पार्ट में फिर पतला है। ठीक है, तो हमें उसी हिसाब से ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैं पहले शेप ठीक कर लेता हूँ इसका, इसका थोड़ा शेप ठीक कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो कान का पोजीशन है ना, वहाँ पे आपको 5 से 6 mm का गैप रखना है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे, पहले इसका पहले 2D को थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं। ठीक है, ये 2D हो गया। अब इसको मैं एक 1.5 का ऑफसेट दे रहा हूँ, एक 1.2 और एक 2 mm का ऑफसेट दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ऊपर रखूँगा 1.5, अप पार्ट में 2 mm, फिर नीचे जो आएगा वो 1.2 रखूँगा। ठीक है, तो 1.5 वाला कर्व मेरा बीच वाला कर्व है, यहाँ पे मैं 1.5 मेजरमेंट दे रहा हूँ। यहाँ से मेरा धीरे धीरे ये वाला पार्ट यहाँ पे 2 mm होगा, तो इसको ग्रेजुअली आपको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। फिर यहाँ से मेरा 1.2 चालू हो जाएगा धीरे धीरे। ये 1.2 के जगह पे आप 1 mm भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने 3 कर्व लिया। ठीक है, तो अभी थोड़ा स्मूथ कर लेना है हमें, ये वाला पार्ट थोड़ा खराब है सेप, तो ये थोड़ा स्मूथ कर लेना। ठीक है, ये मेरा जो बेसिक चीज था वो बन गया। यहाँ पे मैं एक 2 mm का सर्किल लेके देख लेता हूँ मेजरमेंट बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो ये 2 mm का सर्किल ले लिया। अभी मैं इसको ये गैप देख लेता हूँ, 5 से 6 mm, अब 5.5 लेके चलो, 6 mm तक गैप रहता है। ये कान का गैप है, कान का जो थिकनेस होता है ना वो गैप होता है। ठीक है, तो इसको अभी क्या करेंगे, मैं इसको रोटेट कर देता हूँ इमेज के हिसाब से, जैसे होता है मैं रोटेट कर दिया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, स्टिल लाइन लेना है, जो आउटर का जो रो था उसका लेंथ के हिसाब से मुझे एक स्टिल लाइन लेना है। और स्टिल लाइन के ऊपर हमें 2D ड्रॉ करना है। 2D ज़्यादा कुछ है नहीं, पूरा स्ट्रेट ही है, सिर्फ नीचे जहाँ पे मंकी टेल है वहाँ पे थोड़ा शेप चेंज है। तो ये ऑलमोस्ट 3 mm थिकनेस है, तो मैं बोथ साइड में 1.5 mm का चौड़ाई दे देता हूँ। ठीक है, तो आपके यहाँ से 1.5 ही आएगा, स्ट्रेट लाइन ही आएगा, फिर यहाँ पे आके ये थोड़ा पतला होके फिर यहाँ पे थोड़ा मोटा होगा, कुछ इस टाइप का शेप रहता है। ठीक है, मैं इमेज को हाइड करता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अंदर ले लेता हूँ, लेके जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो स्प्लिट कर देता हूँ। ठीक है, स्प्लिट करके इसको मिरर कर दिया, यहाँ पे थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं पहले। ठीक
है, ये हो गया ऑलमोस्ट। अब इसको हम मिरर कर लेते हैं, मिरर करके ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करके ये मीट का जो पॉइंट है वो मैं डिलीट कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा 2D हो गया। अभी क्या करना है, इसको एक लाइन से ज्वाइन करते हैं, फिर इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। 3 mm एक्सट्रूड करता हूँ क्योंकि मेरा मैक्सिमम थिकनेस है आपका 2 mm, तो 2.5 mm करोगे तो भी चलेगा। अभी हमें फ्लो एलोम कर्व करना है, तो ट्रांसफॉर्म में जाके फ्लो एलोम कर्व कमांड है, फ्लो कर देते हैं ये आपका बेस कर्व, फिर ये फ्लो एलोम। रिजिड ऑन था तो रिजिड ऑफ करना पड़ेगा ताकि कर्व के हिसाब से ये फ्लो होगा। तो ये हो गया। अब ये मुझे जो बेस वाला कर्व है, जो अंदर वाला कर्व है ना, उससे मुझे बुलियन डिफरेंस करना है। जैसे हम लोग रिंग बनाते हैं, फॉर्मूला सेम ही है, सिर्फ इसको आपको बाली के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक जहाँ पे पोस्ट लगेगा वहाँ पे मुझे मेटल का पट्टी लगाना है। ये थिकनेस 0.8 रहता है जो पट्टी का है। ठीक है, इसको भी एक्सट्रूड कर देते हैं, सेम 0.3 mm का, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बन गया। अभी क्या करना है, मुझे लॉक पार्ट बनाना है तो हिंज के लिए, तो मैं एक सर्किल ले लेता हूँ 2 mm का। ठीक है, यहाँ पे मैं 0.7 का ड्रिल दे रहा हूँ, एक्सट्रूड कर देते हैं। जो आउटर वाला सर्किल है उसको थोड़ा सा जो थिकनेस है उससे थोड़ा मोट बड़ा कर देते हैं सर्किल को। अभी सर्किल को एक्सट्रूड करके उससे हमें बुलियन स्प्लिट करना है, ठीक है। सिर्फ वही पार्ट रखते हैं, बाकी पार्ट हाइड कर देते हैं, ठीक है। अभी जो 0.7 का जो मैंने सर्किल लिया था उससे मैं ये पार्ट को बुलियन डिफरेंस कर देता हूँ। अभी इसको डिवाइड करना है 3 पार्ट में। तो कैसे करना है, एक डुप्लीकेट एज कर्व लिया, कर्व को 3 पार्ट में डिवाइड किया, फिर पॉइंट आ गया तो उससे हमें कट प्लेन लेके उसको बुलियन स्प्लिट कर देना है, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अभी नीचे वाला पार्ट के साथ आपका सेंटर वाला पार्ट रहेगा, उसको मैं अलग कलर कर देता हूँ, और टॉप पार्ट के साथ जो दो साइड में जो दो पार्ट है वो ज्वाइन रहेगा, ठीक है। ये आपका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो बन गया। अभी क्या करना है, हमें इसके ऊपर डायमंड पेस्टिंग करना है। तो ये आपका छिलाई वाला है, पावे सेटिंग है, तो मैं ऊपर का सरफेस को एक्सट्रैक्ट किया, कॉपी ये नो करना है, ठीक है। इसको डुप्लीकेट बॉर्डर लिया, बॉर्डर लेके इसको ऑफसेट दे देते हैं। तो आप 0.4 0.5 का जो भी आपको वॉल का थिकनेस देना है, मिनिमम 0.4 होता है, आप डिजाइन के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो मैं 0.4 ही रख रहा हूँ, 0.4 का आपका थिकनेस दे रहा हूँ और 0.2 का स्लान दे रहा हूँ, यानी 0.4 का एक ऑफसेट और 0.6 का एक ऑफसेट, ठीक है। उससे स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करके इसको 0.4 अंदर के साइड में ऑफसेट लेना है, ऑफसेट सरफेस, ठीक है। अभी दोनों का डुप्लीकेट बॉर्डर लिया, एक क्रॉस सेक्शन कर्व लेके इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये पावे का मेटल बन गया, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें डायमंड पेस्टिंग करना है, तो एक मिड लाइन ले लेता हूँ, आइसो कर्व लेके ये मिड लाइन आ गया। अभी क्या करना है, F6 क्लिक करके जेम ऑन कर्व कमांड लेना है। तो मेरा अभी डायमंड क्या साइज बैठेगा, मैंने 3 mm का थिकनेस लिया था, तो 0.6 0.6 1.2 माइनस हो गया, तो यानी बचता है 1.8। तो 1.8 में आपका डायमंड बैठेगा, 1.5 का डायमंड बैठेगा, ठीक है। जो अभी जो सरफेस है उसका चौड़ाई है 1.8, तो उसके हिसाब से मुझे 1.5 mm का डायमंड बिठाना है,
ठीक है, डायमंड टू डायमंड गैप रखना है 0.15। ठीक है, यहाँ तक बिठा दिया, काफ़ी है। और एक डायमंड एक्स्ट्रा डालना है। ठीक है, बाकी नीचे के साइड जो पावर एक्स्ट्रा किया हुआ है वो हम पैक कर देंगे मेटल से। इसके ऊपर प्रॉन्ग डालना है, तो 0.55 से 0.6 का प्रॉन्ग काफ़ी है। ठीक है, अब ये जो मेटल एक्स्ट्रा कटा हुआ है इसको हम पैक करते हैं। तो ये डुप्लीकेट एज ले लेते हैं, इसको लॉफ्ट, इसका आइसोकार्ब ले लेते हैं स्प्लिट आइसोकार्ब कमांड से। इसको थिकनेस दे देते हैं 0.4 अंदर के साइड में। ठीक है, तो ये पैक हो गए। अभी हमें क्या करना है, जिम कटर लेना है। जिम कटर लेके इसको बुलियन डिफरेंस कर देते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर वाला पार्ट भी रेडी हो गया। सिर्फ हमें अभी क्या करना है, पोस्ट के लिए वहाँ पे पोजीशन करना है, नीचे वाले पार्ट में एक होल करना है। तो मैं पहले एक पोस्ट लगा देता हूँ, 1 mm का पोस्ट डाल देता हूँ। ठीक है, सब कॉपी करके रखता हूँ एक पार्ट। ये पोस्ट आपका ऊपर वाला पार्ट के साथ रहेगा, जो ग्रीन वाला पार्ट है उसके साथ पोस्ट रहेगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा पोस्ट से थोड़ा बड़ा साइज का एक ड्रिल मार देता हूँ इसमें। इसको थोड़ा ओवल टाइप करते हैं, ड्रिल थोड़ा थिकनेस बढ़ा के थोड़ा ओवल टाइप ड्रिल कर देते हैं। ठीक है, इसको हम कॉपी कर देते हैं। मेरे बाली रेडी हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताना, एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।